जब किसी इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उसके अंदर वीक सेल्फ एस्टीम होता है, तो वो दुनिया को बहुत कमजोर लगने लगता है। फिर दुनिया के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, हमेशा उसकी ली जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे एक इंसान अपने सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कर सकता है, कैसे एक इंसान अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकता है इतना कि वो अपनी लाइफ को हीरो की तरह जिएगा, किसी से भी नहीं डरेगा, एकदम बिंदास होकर लाइफ जिएगा, और सबसे बड़ी बात, वो खुद को सबसे बेस्ट मानेगा दुनिया में। और जो दुनिया के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वो उसके फैन बन जाएंगे, उसको सलाम ठोकेंगे और उसकी हर बात मानेंगे। नंबर वन पॉइंट है बेस्ट और वर्स्ट इमेज। तो इस दुनिया में ना हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। एक उस तरह के लोग होते हैं जो कि हमेशा सोचते हैं कि मैं दुनिया में सबसे बेस्ट हूं, मेरे से बेहतर कोई नहीं है। और एक दूसरे तरह के लोग होते हैं जो कि खुद के इमेज के बारे में हमेशा बुरा सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा वर्स्ट हूं, मैं बहुत ज्यादा बुरा हूं, मैं सबसे बुरा हूं जितने भी लोग हैं यहां पर। जबकि फैक्ट यह है कि इस दुनिया में बुरा और अच्छा कुछ नहीं होता। हर इंसान के अंदर कोई अच्छाई होती है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई बुराई होती है। अगर आप किसी इंसान को परफेक्ट मान रहे हो कि भाई ये तो एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें कोई गलती नहीं है। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों है। वो अलग बात है कि आप मूवीज देख के इन्फ्लुएंस होते हो एंड उसमें जो हीरो होता है उसमें कोई भी बुराई नहीं होती है, वैसा परफेक्ट बनना चाहते हो, तो मेरे भाई याद रखना वो मूवी है, ये रियलिटी है। रियलिटी में आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो सकते हो, किसी चीज में बहुत बुरे हो सकते हो, किसी चीज में ठीक ठाक हो सकते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हर चीज में बुरे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हर चीज में अच्छा हो। लेकिन हमारा सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस तब डाउन होता है जब हम ये सोचने लगते हैं कि हम हर चीज में बुरे हैं और दूसरा हर चीज में अच्छा है। तो अगर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हो, अपने सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करना चाहते हो, तो कैलकुलेट करना शुरू करो कि आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज में बुरे हो, किस चीज में ठीक ठाक हो। आपको कुछ नहीं करना है, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और नोटिस करो कि किस चीज में आप अच्छे हो, किस चीज में आप बुरे हो और किस चीज में नॉर्मल हो, ठीक ठाक हो। आपको खुद के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिसमें आप बहुत ज्यादा बेस्ट हो, आपके जैसा कोई नहीं है। आप कॉन्स्टेंटली जिन जिन इंसान से कंपैरिजन कर रहे हो ना, उनकी भी मिस्टेक्स को काउंट करना शुरू करो, देखो कि वो किस किस चीज में बहुत ज्यादा बुरे हैं। आप पाओगे कि भाई मैं जिसको परफेक्ट समझ रहा था उनके अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं, एंड मैं खुद को बेकार समझ रहा था, मेरे अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं। तो सिंपली एक पेन कॉपी उठाओ और लिखना शुरू करो कि किन चीजों में आप बेस्ट हो, कौन से आपके अच्छे क्वालिटीज हैं, किन चीजों में आप बहुत ज्यादा वर्स्ट हो, कौन से आपके निगेटिव क्वालिटीज हैं और किन चीजों में आप ठीक ठाक हो। इससे आपको समझ आएगा कि आपके अंदर कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है और कितना ज्यादा वीकनेस है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। एट द सेम टाइम आपके जो कंपटीटर्स है ना, वो किन चीजों में बहुत ज्यादा बुरे हैं उसको भी लिखो। इससे आपको ये समझ आएगा कि भाई वो भी परफेक्ट नहीं है। सेकेंड नंबर पॉइंट है स्टॉप कंपेयरिंग। हमें बचपन से ही ना कंपेयर किया जाता है। अगर क्लास में होते हो तो हमें दिखाकर बोला जाता है, देखो उस टॉपर को, वैसा नंबर तुम्हारा नहीं आता है। घर में होते हैं तो बोलते हैं, अरे देखो शर्मा जी के लौंडे को कितना ज्यादा होशियार है, तुम कैसे चूतिए लड़के हो। दोस्तों में होते हैं तो बोलते हैं, अरे यार देखो वो कितना अच्छा वेट उठा लेता है, कितनी अच्छी ड्राइविंग कर लेता है, बाइक चला लेता है, देखो उसके पीछे बंदियां भी फिदा है, तू क्या कर रहा है बे। बड़े होते होते लोग बोलते हैं, अरे देखो वर्मा जी के लौंडे को इतनी अच्छी जॉब कर रहा है और तू क्या कर रहा है, घर पे बैठा है बेरोजगार। हमें कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया जाता है दूसरे लोगों से, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर हमें कंपेयर किया जाता है तो क्या हम दोनों सेम है, सेम जगह से हमने रेस स्टार्ट करी है? अगर कोई मैराथन हो रहा है एंड दो बंदे हैं जो कि सेम जगह से रेस स्टार्ट करते हैं एंड एक बंदा जीत जाता है, तो दूसरे बंदे को ब्लेम किया जा सकता है। लेकिन लाइफ हमेशा मैराथन नहीं होता, हर किसी की शुरुआत जीरो से नहीं होती है। कोई डायरेक्ट 100 से शुरुआत कर रहा है, कोई डायरेक्ट 1000 से शुरुआत कर रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, हमेशा जो दो बंदों को कंपेयर किया जाता है, दोनों के सर्कमस्टेंसेस देखो। अगर दोनों सेम है, सिचुएशन सेम है, तब ठीक है। लेकिन अगर दोनों के सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, सिचुएशंस अलग हैं, तो कंपेयर हो ही नहीं सकता। अगर कोई बंदा है जो कि अमीर है, खाते पीते घर का है, जिम विम जाता है, उसकी बॉडी ऑब्वियसली अच्छी रहेगी। एट द सेम टाइम कोई बंदा है जो कि बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से आता है, वो सिर्फ दाल रोटी खा पाता है, तो उसके बॉडी में जान कहाँ से होगी? वो प्रोटीन इंटेक नहीं पूरा कर पाता है, वो जिम को अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसकी बॉडी कहाँ से बनेगी? अब अगर इन दोनों को तुम कंपेयर करने लग जाओगे तो कैसे होगा? अब सिंपल सी बात है, अंबानी का जो बेटा है वो 28 साल का है, ठीक है। एंड इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि 28 साल के हैं, इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि 28 साल के हैं एंड अपना स्टार्टअप चला रहे हैं, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या फिर 10 करोड़ का उनका स्टार्टअप बना हुआ है, जबकि अंबानी का बेटा बचपन से ही बिलियनर है। तो इन दोनों का कंपैरिजन कहीं हो सकता है क्या? ये अपना रास्ता खुद बना रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, जब भी आप जीरो से स्टार्ट करते हो तो आप पीछे रहोगे, और पीछे रहना इज ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब डेफिनेटली ये बंदा भी फ्यूचर में जाकर बिलियनर बनेगा, बन सकता है, लेकिन अगर ये बंदा ये सोच के हार मान ले कि भैया वो बहुत बड़ा है और मैं बहुत छोटा हूं, तो ये कभी बन पाएगा वैसा? तो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी कंपैरिजन मत करो, क्योंकि दुनिया का जो रेस है फेयर नहीं होता। आपकी लड़ाई सिर्फ खुद से है, आपको हर दिन खुद को बेटर बनाना है। आपको सिंपली ये देखना है कि अगर आप 1 महीने पहले जैसे थे उससे बेटर आज हो, तो मींस आप आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट
पॉइंट है यू कैन मेक योर इमेज। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम इस पे डिपेंड करता है कि आपने अपने दिमाग में खुद को लेकर कौन सा इमेज बना रखा है, कैसा इमेज बना रखा है। मोस्टली लोगों का सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस तब डाउन होता है जब वो खुद को लेकर बहुत ही बुरा इमेज रखते हैं। वो सोचते हैं कि वो बहुत ज्यादा बेकार है, बहुत ज्यादा वीक है, और ये इमेज उन्होंने खुद नहीं बनाया होता है, वो सोचते हैं कि लोग उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। मतलब कोई इंसान सोचता है कि लोग उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो बेकार है, वो बहुत ज्यादा वीक है, एंड इस वजह से वो भी खुद के बारे में वैसा ही सोच रहा है, एंड इस वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा डाउन है, एंड वो खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता दुनिया के सामने। नाउ द कॉन्सेप्ट इज कि आप जो सोचते हो कि भैया मेरा जो इमेज है लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा बुरा है, बहुत ज्यादा वीक है, तो इमेज तो चेंज होता रहता है ना। अगर आपने क्रिकेट खेला होगा तो आपने देखा होगा किसी बल्लेबाज का इमेज जो है बहुत बुरा है कि भैया इसको खेलने नहीं आता, इसको ढंग से बैटिंग करने नहीं आता, लेकिन किसी मैच में वो चल जाता है, मान लो किसी मैच में 8-10 छक्के मार देता है, उसका इमेज बन जाता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा खेलने लगा। पहले लोग उसको वीक मानते थे, उसका मजाक उड़ाते थे कि भैया क्या खेलेगा, इससे तो एक भी बॉल टच नहीं होगी, एंड जैसे ही वो 8-10 छक्के लगा देता है उसका इमेज बहुत तगड़ा बन जाता है कि भाई ये तो सॉलिड बैट्समैन है यार। सिमिलरली हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है, हम लोगों के दिमाग में कितना भी चूतिया इमेज बनाकर रखे हो फर्क नहीं पड़ता, हमारे आगे के कर्म अगर अच्छे होते हैं, हम अगर बेहतर काम करते हैं तो लोग हमें अप्रिसिएट करने लगते हैं, उनके दिमाग में हमारा जो इमेज रहता है वो चेंज हो जाता है। यूं समझो आपका जो इमेज है पानी जैसा है, वो कैसा भी शेप ले सकता है, ठीक है, उसको जिस शेप में ढालोगे वो वैसा शेप ले सकता है। एक बैक बेंचर अगर चाहे तो वो पूरे क्लास का टॉपर बन सकता है, पूरे क्लास से अप्रिसिएशन ले सकता है। एक टॉपर अगर चाहे तो वो बैक बेंचर बन सकता है, मस्ती कर सकता है लाइफ में, बंदियां पटा सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, बकचोदी कर सकता है, कोई भी कुछ भी बन सकता है, कोई भी अपना इमेज कैसा भी बिल्ड कर सकता है लोगों के दिमाग में, एंड उस हिसाब से उसको इज्जत मिलने लग जाएगी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप जीरो पे हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आप बेकार हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप चूतिए हो फर्क नहीं पड़ता, आप गए गुजरे हो फर्क नहीं पड़ता। खुद को बिल्ड करना स्टार्ट करो, खुद को डिजाइन करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप अच्छे बन जाते हो, जब आप बेस्ट बन जाते हो, तो आपका इमेज भी बेस्ट बन जाता है। एक ग्रुप है जिसमें सारे लड़के एकदम तगड़े तगड़े हैं बॉडी वाले, जबकि एक बंदा है जो कि बहुत पतला है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया उसका बहुत मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन वो क्या करता है, वो जिम ज्वाइन करता है, वो अपने डाइट पर ध्यान देता है, और वो बहुत अच्छी बॉडी बना लेता है, इन सबसे बेहतर बॉडी बना लेता है। अब भी क्या उसका मजाक बनाया जाएगा, अब भी क्या उसको सुपरी पहलवान बोला जाएगा, नहीं, अब वो सुपीरियर बन चुका है तो उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, उस हिसाब से इमेज चेंज हुआ ना। तो लोग आपको कैसा भी मानते हैं फर्क नहीं पड़ता, लोगों को साइड करो, लोगों को इग्नोर करो, और खुद को बिल्ड करने पर ध्यान दो। पॉइंट नंबर 4 इज लोगों के दिमाग के हिसाब से अपने इमेज को बिल्ड मत करो। आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको हर जगह हर चीज पर ज्ञान देने आ जाएंगे, इस जगह ये करो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जबकि उनको घंटा कुछ ज्ञान ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ज्ञान देने हर जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ज्ञान देने के चक्कर में वो आपको डिमोरलाइज करते हैं कि भैया तू यहां पर गलत है, तू वहां पर गलत है, और इससे हमें खुद को फील होता है कि भाई हम यूजलेस हैं, हम बहुत ज्यादा बेकार हैं, और हमारा इमेज जो है खुद को लेकर बहुत बुरा बनने लगता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, आप कुछ भी करोगे ज्ञान देने वाले लोग आएंगे, क्रिटिसाइज करने वाले लोग आएंगे, क्योंकि उनका काम है, क्योंकि उनको वैलिडेशन चाहिए, और वैलिडेशन के लिए वो क्रिटिसिज्म करते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इन ज्ञान को इग्नोर करो, इन क्रिटिसिज्म को इग्नोर करो, और आप जो कर रहे हो करते रहो। और अगर आपको ज्ञान देने वालों से दिक्कत होती है, क्रिटिसिज्म करने वालों से दिक्कत होती है, तो सीधा उनको बोलो कि भैया मुझे ज्ञान पसंद नहीं है, प्लीज अपना ज्ञान अपने पास रखें। ऑलवेज रिमेंबर, लोग आपके लिए कैसा भी इमेज बनाए इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि किसको कौन अच्छा बोलता है आज के टाइम। आप अच्छे हो आपको पता है, आप सॉलिड हो आपको पता है, अपने इमेज को अपने हिसाब से बिल्ड करो, दूसरों के हिसाब से नहीं। अगर कोई अपना आपको फीडबैक दे रहा है तो उसके फीडबैक को लो, खुद को सुधारो, लेकिन अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको इग्नोर करो, कोई ज्ञान दे रहा है उसको इग्नोर करो। इन सब बातों से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगा। हम इसका पार्ट 2 भी लाना चाहते हैं, जिसमें हम टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह बताएंगे, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह बताएंगे जिससे आपका सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर इस वीडियो पर 300 कमेंट तुम कर देते हो तो पक्का जल्दी से जल्दी मैं पार्ट 2 लॉन्च कर दूंगा। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो फटाक से एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। एक मिनट, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोज आने वाली है, रेगुलर वीडियोज आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हर तरह से इम्प्रूव हो जाओ, हर तरह से बेस्ट बन जाओ, और इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोज बनाऊँ और रेगुलर वीडियोज बनाऊँ। ये वीडियोज तुम्हें हो सकता है बोरिंग लगे, हो सकता है तुम्हें कड़वा लगे, लेकिन इसको दवा की तरह ले लेना, ये तुम्हें बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगी लाइफ में, ये तुम्हें बेस्ट बना देगी अपने लाइफ में। तो हर शाम 7 बजे आकर वीडियो देख लेना अपने चैनल पर। थैंक्स वॉचिंग गाइज, लव यू।